सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई आदमी जो बिल्कुल भी चिंता न करने वाला हो, जो सदा मस्त रहने वाला हो, वो यदि कभी कभी मुंह लटका के बैठा हो तो आप पूछोगे ना कि भैया आप तो सदा हंसते हंसकर रहने वाले हैं, आप तो सदा मुस्कुराते रहते हैं, आप क्यों मुंह लटकाए बैठे हैं। तो ऐसे ही नारद जी से सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी आप तो दास हैं और दास कभी उदास नहीं होता, आप क्यों चिंता कर रहे हैं और कैसी चिंता कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा, चिंता मेरी नहीं है, चिंता किसी दूसरे की है। कितना सुंदर भाव है। भक्तों के जीवन में भी चिंता है, संतों के जीवन में भी चिंता है, पर अपनी नहीं, किसी दूसरे की चिंता होती। मक्खन तो आग की ताप से पिघलता है, पर संतों का चित्त, भक्तों का चित्त दूसरों के दुख देख करके पिघल जाया करता है। जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, जिसका हृदय दुखित हो जाए, वही वास्तव में संत है। जो दूसरों का सुख देख करके दुखी हो जाए वो संत नहीं है, वो तो मनुष्य कहने लायक भी नहीं है। और आज का इंसान ऐसा है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी। और यही कारण है उसके पतन का। जीव के पतन का एक ही कारण है कि वो अपने दुख से दुखी न होकर के दूसरे के सुख से दुखी हो रहा। और भागवत जी ये कहती है कि संतों का परम लक्षण है, भक्तों का परम लक्षण है, दूसरों के दुख को देख करके जिनका हृदय द्रवित हो जाए, जिस दूसरों के सुख को देख करके जिनका हृदय भाव विभोर हो जाए, वही वास्तव में संत कहलाने लायक है।